गणेश मंडल को अनुमति के लिए नगराध्यक्ष ने परेशान करने का आरोप पत्र परिषद में रश्मि पेशने ने किया। ब्रह्मपुरी में पिछले अनेक वर्षों से सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल ब्रह्मपुरी इस नाम से पूर्व विधायक स्वर्गीय बाबा साहेब खानोलकर ने इस मंडल की स्थापना की। तभी से आज तक यह मंडल ब्रह्मपुरी तहसील में साथ ही परिसर में नाम रूप में आया है। इस वर्ष श्री गणेश मूर्ति की प्रतिष्ठापना साथ ही मिनी बाजार का आयोजन करते समय मंडल को जगह कम पड़ने से गणेश मंडल के पदाधिकारी ने ब्रह्मपुरी के वंदनीय राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज ग्राउंड की जगह गणेश प्रतिष्ठापना के लिए साथ ही मिनी बाजार के लिए अनुमति मिले, इसलिए ब्रह्मपुरी के नगर परिषद की ओर अर्ज पेश किया था, लेकिन नगर परिषद ने अनुमति नामंजूर की, जिसके बाद सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल ब्रह्मपुरी ने हर वर्ष जिस स्थान गणपति प्रतिष्ठापना की जाती है उसी स्थान श्री गणेश की प्रतिष्ठापना व मीना बाजार मेला के लिए अनुमति मिले, इसके लिए नगर परिषद की ओर अर्ज पेश किया था, लेकिन वहां भी नगर परिषद ने अनुमति देने इनकार किया। यह अनुमति सुरबुद्धि से ब्रह्मपुरी के नगर के नगराध्यक्ष रीता उराडे ने नकारी, ऐसा आरोप गणेश मंडल के सचिव रश्मि पेशने ने पत्रकार परिषद में किया है। जिस ग्राउंड की जगह की मांग थी वही ग्राउंड की जगह नगर परिषद ने 29/7/2022 को मीना बाजार के लिए लीलाओं में निकाली थी। एक और यह ग्राउंड सीनियर सिटीजन व नागरिक इन्हें घूमने के लिए साथ ही युवा वर्ग को खेलने के लिए होने से इस मंडल को नगर परिषद ने अनुमति देने इनकार किया था। तो ग्राउंड नगर परिषद ने लीलाओं कैसे क्या निकाला, ऐसा भी प्रश्न उन्होंने पत्रकार परिषद में उपस्थित किया था। इससे ऐसा दिखाई देता है कि नगर परिषद की नगर अध्यक्ष रीता उराडे ने अपने पद का दुरुपयोग कर सुड़बुद्धि से व प्रतिस्पर्धी इस भावना से सार्वजनिक मंडल उत्सव को परेशान किया जा रहा है, ऐसा आरोप रश्मि पेशने ने आयोजित पत्रकार परिषद में किया है। आपल्याला सांगण्याचा उद्देश आहे की या मंडळाला नगर परिषदनी परवानगी नाकारली। परवानगी नाकारण्याचं कारण त्यांनी फक्त एवढंच दिलं की एनएच कॉलेज ग्राउंडवर किंवा आज राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या ग्राउंडवर त्यांनी दुसरा कोणातरी मेला दिल्यामुळे आम्हाला आमच्या ग्राउंडवर गणपती आणि मेला बसवायला परवानगी दिली नाही, नाकारली। स्टँडिंग बॉडीचा आमच्या बाजूने मत असताना सुद्धा त्यांनी आम्हाला परवानगी नाकारण्याचं अतिशय घृणास्पद कार्य केलं। त्यांनी हे सगळं हेतू परस्पर राजकारणाच्या हे उद्देशाने आणि अतिशय गलिच्छ राजकारण त्यांनी आमच्यासोबत या निमित्ताने केलं आहे। आणि गणपती एवढं सगळं असून सुद्धा आमच्या गणपतीला बंद करण्याचा, आमच्या लगतच्या गणपती आणि मेल्याला सुद्धा बंद करण्याचा त्यांचा कट याच्यामध्ये आम्हाला स्पष्टपणे दिसून येतो आहे। त्यांच्या या कटाला आम्ही हाणून पाडलेलं आहे। कलेक्टर साहेबांनी सरसंतांची 308 खाली जी अपील केली ती नामंजूर केलेली आहे आणि त्या नामंजूर झालेल्या याच्यामुळे आज आम्ही या NOC च्या माध्यमातून आमचं काम सुरू केलेलं आहे। मला इथं स्पष्ट म्हणावं असं वाटतं, नगर अध्यक्षाच्या नगर अध्यक्षा रीता उराडे यांनी हा अतिशय घृणास्पद कार्य केलं असून एका धार्मिक कार्यामध्ये त्यांनी आड येऊन तो धार्मिक कार्य थांबवायचा प्रयत्न केलेला आहे आणि त्यांच्या घृणास्पद कार्याचं मी जाहीरपणे इथे निषेध करते आहे। देव त्याला सुबुद्धी देव, गणपती बाप्पा सुबुद्धी देव, एवढं मी आज बोलतो।